हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की पोएट्री का फर्स्ट लेसन, जो था पहले कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके राइटर है सर हेनरी वूटन, जिनका जन्म हुआ था 1568 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1639 में। इनका जीवन काल था 1568 से लेकर 1639 तक। तो आज हम इसके बारे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक अच्छे जीवन के बारे में, प्रसन्नचित जीवन के बारे में, उसके बारे में इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो आते हैं टेक्स्ट पर। जैसे लिखा हुआ है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हैप्पी मतलब प्रसन्न, बॉर्न मतलब जन्म लेना, टॉट मतलब यहाँ पर ज्ञान से है, पढ़ने और सीखने से नहीं है। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति कितना खुश होता है जब जन्म पाता है और ज्ञान पाता है। दैट सेवरेथ नॉट एन अदर्स विल, दैट सेवरेथ, सेवरेथ मतलब सेवा करना, नॉट एन अदर्स विल, नॉट नहीं, एन अदर्स विल दूसरों की इच्छाओं पर। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, बॉर्न मतलब जन्म पाकर या टॉट ज्ञान पाकर, दैट सेवरेथ जो सेवा करता है, नॉट एन अदर्स विल जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार, विल मतलब इच्छा, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार सेवा या कार्य नहीं करता है। हुज आर्मोर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मोर, आर्मोर मतलब होता है सुरक्षा कवच, हुज आर्मोर जिसके सुरक्षा कवच होते हैं, इज हिज ऑनेस्ट थॉट उसके ईमानदार विचार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, थॉट मतलब विचार, उसकी सुरक्षा कवच होते हैं उसके ईमानदार विचार। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य जो होता है, हिज अटमोस्ट स्किल उसका, अटमोस्ट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, वह एक एंड सिंपल ट्रूथ, और वह एक सच्चा व्यक्ति होता है और सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी स्किल, स्थिति होती है जो भी उसको अच्छा बनाती है। अटमोस्ट स्किल, सच्चाई ही उसके लिए सब कुछ होती है। आई होप आप लोग की समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न है, इज ही बॉर्न और टॉट जन्म पाकर और ज्ञान पाकर, एक व्यक्ति कितना प्रसन्न है यहाँ पर जन्म पाकर और ज्ञान पाकर। दैट सेवरेथ नॉट एन अदर्स विल जो दूसरे की इच्छाओं पर या दूसरों की इच्छाओं के अनुसार सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर, आर्मर मतलब सुरक्षा कवच, जिसकी सुरक्षा कवच, हिज इज ऑनेस्ट थॉट उसके ईमानदार विचार हैं, सत्य विचार जो हैं उसी के वो सुरक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल और उसकी जो अटमोस्ट स्किल है वो है उसका साधारण सत्य। अब अगले पैरा पर हम आते हैं, हुज पैशन एंड नॉट हिज मास्टर आर, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। हुज पैशन आर नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैशन मतलब तीव्र इच्छाएं, पैशंस मतलब तीव्र इच्छाएं, जिसकी तीव्र इच्छाएं नॉट हिज मास्टर चार उसकी मालिक नहीं होती है। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी इच्छा जो उसके ऊपर हावी रही है कि उस इच्छा के लिए वो, जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर रखा है, यही कहा गया हुज पैशन नॉट हिज मास्टर चार, मतलब वो हुज पैशन जिसकी तीव्र इच्छा नॉट हिज मास्टर आर उसकी मालिक नहीं होती है, वो खुद उन पर उनका उसका अधिकार होता है। Whose soul is still prepared for death? Whose soul, जिसकी आत्मा is still prepared, जो हमेशा तैयार रहती है for death, मृत्यु के लिए, untied unto the world with care, और princely love और vulgar breath, untied unto the world, जो स्वतंत्र होता है, जो सांसारिक संसार से बंधा, untied unto the world, जो संसार से बंधा हुआ नहीं होता, with care of princely love, जो राजाओं के प्रेम और वेलगर ब्रीथ और बुरे लोगों की आलोचनाओं से दूर रहता है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड जो सांसारिक मोह माया से दूर रहता है, विद केयर अ प्रिंसली लव और जो राजा के प्रेम से दूर रहता है, और वेलगर ब्रीथ अथवा वेलगर ब्रीथ मतलब बुरे लोगों की आलोचनाओं से दूर रहता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर, जिसके हुज पैशन जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। Whose soul is still prepared for death? जो जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, untied unto the world, वह संसार के संसार को अपने आप से दूर रखता है, with care,
अ प्रिंसली लव, राजा के प्रेम से और वेलगर प्रीत और साम और बुरे लोगों की आलोचनाओं से. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ जो रखता है, हु हैथ हिज लाइफ जो अपने जीवन को दूर रखता है, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड अफवाहों से मुक्त रखता है. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड जो अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है. हुज कंसाइंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट और हुज कंसाइंस जिसकी अंतर आत्मा हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट उसका दृढ़ निवास स्थान होती है. हुज कंसाइंस जिसके अंतर आत्मा हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट और क्या होती है दृढ़ स्थान या जहाँ पर इस निश्चित दृढ़ निश्चित स्थान होती है उसकी अंतर आत्मा ही उसका दृढ़ निश्चित स्थान होती है. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड जो ना कि चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित होते हैं. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड जो कि चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होते हैं. नॉर रुइन मेक अप्रेसर ग्रेट, नॉर रुइन मेक अप्रेसर ग्रेट और ना ही उनकी बर्बादी उनके दुश्मनों को खुशी देती है. मतलब वो इस तरह से रहते हैं दुख में भी इतना वो खुश रहते हैं कि उनके दुश्मन को किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हो पाती है, विक्टोरियस वो फील नहीं कर पाते हैं. हु एनवीज नन हुम चांस डॉथ रेस, हु एनवीज नन हुम चांस डॉथ रेस नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वांट्स आर गिवन विद प्रेस नॉर रूल्स आर स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. अब देखते हैं इसको हम. हु एनवीज नन हुम चांस डॉथ रेस, हु एनवीज एनवीज हु एनवीज नन वह किसी से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता. हुम चांस डॉथ रेस जिसे जो कभी मौका पाकर ऊपर उठ गया हो, मतलब बड़ा आदमी बन गया हो. नॉर वाइस ना ही बुराई करता है. हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी नहीं समझता है. हाउ डीपेस्ट कितने गहरे वांट्स घाव आर गिवन विद प्रेस जो उसे प्रशंसा के द्वारा इतने गहरे घाव दिए गए हैं. हाउ डीपेस्ट वांट्स आर गिवन विद प्रेस नॉर और जैसे यहां से नॉर वाइस जो कभी मतलब किसी की बुराई नहीं करता. हु नेवर अंडरस्टूड जो यह कभी नहीं समझता है. हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विद प्रेस की प्रशंसा के द्वारा उसे कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं. नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड अर्थात नॉर रूल्स ऑफ स्टेट एक जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो कभी किसी राज्य के नियमों को नहीं मानता है. बट रूल्स ऑफ गुड वो हमेशा अच्छाई के नियमों का पालन करता है. Who God doth late and early pray? Who God doth late and early pray? Late का मतलब है night से, early का मतलब है सुबह से. Who जो दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता है more of his grace उसके आशीर्वाद के लिए than gift to lend ना कि उपहार पाने के लिए. कहने का मतलब है Who God doth late and early pray जो ईश्वर से दिन रात सुबह से शाम तक प्रार्थना करता है more of grace सिर्फ उसका आशीर्वाद पाने के लिए देन गिफ्ट टू लेंड ना कि उससे उपहार पाने के लिए. हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु इंटरटेन्स जो अपने दिनों को बिताता है द हार्मलेस डे जो दुखपूर्ण दिन है उसके उनको बिताने के लिए विद ए वेल चूजन बुक अच्छी किताबों से अथवा एक दोस्त के साथ. हु इंटरटेन्स जो अपने दिनों को बिताता है विद ए वेल चूजन अच्छी किताबों के साथ या अच्छे एक दोस्त के साथ. अगला पैरा हम देखते हैं. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands and having nothing he hath all. This man is free from servile bands. This man यह आदमी is free from मुक्त होता है several bands मतलब गुलामी के दास्ता या गुलामी से बंधा हुआ नहीं होता है, इनसे दूर होता है. आप होप टू राइज और फियर टू फेल उसे किसी प्रकार की आशा नहीं होती है ऊपर उठने की और फियर टू फॉल और ना ही डर होता है नीचे गिरने का. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह स्वयं का मालिक होता है थो नॉट ऑफ लैंड ना कि जमीन का या जमीन जायदाद का वह मालिक नहीं होता. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह स्वयं का मालिक होता है एंड हैविंग नथिंग
एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना होकर ही है था, उसके पास सब कुछ होता। कहने का मतलब है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स, वह व्यक्ति जो होता है सारे बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, उसे कोई आशा नहीं होती है ऊपर उठने की, और फियर टू फॉल, और ना ही डर होता है नीचे गिरने का। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। थो यद्यप नॉट ऑफ लैंड, ना कि जमीन का। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ नहीं होता है ना होकर। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना होकर ही है था, उसके पास सब कुछ होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की समझ में ये पोएम आ गई होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।